बढ़ती गर्मी ने फल और जूस की डिमांड बढ़ा दी है। ऐसे में पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर सजी फलों की दुकानों से लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता साकेत कुमार ने जायजा लिया। गर्मी में सबसे ज्यादा डिमांड फलों की होती है और फलों की मंडी में भीड़ भी होती है। जो अब भी आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये इनकम टैक्स चौराहा के पास का ये फल मंडी है। देखिए, तमाम तरह के जो फल हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और फलों की खरीदारी करते हैं। साथ ही साथ जो जूस है वो पिया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के फलों का जूस भी बनाया जाता है और इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों में क्रेज भी रहता है। यहाँ देखिए आप, एक जूस कॉर्नर है यहाँ पर। चूँकि गर्मी भी है, इस वजह से भी लोगों का जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखता है रुझान और अमूमन यहाँ पर भीड़ लगी ही रहती है जूस पीने वालों की। यहाँ देखिए कुछ यंग है, युवा है, इनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? आसियाना। में आसियाना से यहाँ जूस पी रहे हैं? हाँ, यहाँ का जूस अच्छा रहता है। यहाँ का जूस अच्छा रहता है। क्या लगता है इस गर्मी में कितनी राहत मिलती है जूस पीने? बस तत्कालीन राहत। तात्कालिक राहत है। तो लोग जो है वो कहीं दूर दूर से आते हैं इस जगह पे, खास करके जूस पीने के लिए, क्योंकि जो इनकम टैक्स चौराहे का जो ये दुकान है ये काफ़ी फेमस है जूस को लेकर, और इसमें कई तरह के जूस, जैसा कि दुकानदार ने भी बताया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसमें जूस पीने से लोगों को राहत मिलती है। साथ ही साथ मिल्क शेक और मैंगो शेक की वैरायटी भी, चूँकि अभी सीजन चल रहा है तो ज़्यादा संख्या में यहाँ पर दिखता है, और इसी लिहाज से लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं जूस पीने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना।